हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहा। ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का ज्वेलरी कलेक्शन, बॉक्सेस और उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैं करती हूँ। तो टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि लड्डू गोपाल जी का ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ मतलब गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो उनके साथ ना कुछ चीज़ों के साथ बड़े क्यूट से बॉक्स मिलते हैं। तो जो बॉक्स मेरे को अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, वो मैं लड्डू गोपाल जी के मतलब की ज्वेलरी के लिए रख लेती हूँ। एक चीज़ मैंने स्पेशल खरीदी थी इनके मतलब की ज्वेलरी डालने के लिए, ये। और इसके अलावा जो भी है वो सारे बॉक्सेस मेरे जैसे किसी ना किसी चीज़ के साथ मिले हुए हैं। तो सबसे पहले ये इसमें इनके जर्कन के सारे मैंने वो रखे हुए हैं मुकुट, तो आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। ये वाला मुकुट थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत क्यूट है और बहुत जचता है इनके ऊपर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये रेड कलर का, मैंने ये लिया था होशियारपुर से और ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक शायद दिवाली, ये दिवाली है उससे पिछली वाली दिवाली पे लिया था। और ये मैंने चामुंडा मंदिर से ख़रीदा था ग्रीन कलर का। ये दो मुकुट बहुत पुराने हैं इनके, ये बहुत पुराने हैं, आई थिंक 9-10 साल हो चुके हैं इनको भी, लेकिन अभी मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो बॉक्स है ये वॉच का है, तो इसमें वॉच थी तो ये मैंने यूज़ कर लिया इनके इनके मतलब कि मुकुट वगैरह रखने के लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ इस बॉक्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है ये चॉकलेट्स का है। इसका बॉक्स मेरे को बड़ा प्यारा लगा था तो मैंने इनकी माला वगैरह डालने के लिए रख लिया था, तो इसमें इनकी माला है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। ये इनके ड्रेस के साथ ही मिली थी, तो दिवाली की ड्रेस है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ये एक माला है जो मैंने खुद बनाई थी बहुत पहले की। उसके बाद ये एक माला है जो कि मैं कमरबंद की तरह भी इसको यूज कर लेती हूँ, तो ये जर्कन का, ये जर्कन की तो ऑब्वियसली हर तरह की माला वैसे तो लड्डू गोपाल जी के ऊपर बहुत जचती है, लेकिन जर्कन वाली कुछ अलग ही लुक देती हैं। और उसके बाद ये हैं सिंपल इनकी माला। ये वाली माला मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत पहनाई है, ये वाली, इस तरह की मेरे पास दो थी, ये मेरे को बहुत पसंद है, ये मैं अभी भी डलवाती हूँ जब मेरे को कोई मैच ना करे कोई भी माला, तो मैं ये वाली माला ही डलवाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद ये तो आपने देखी है मेरी सावन की शॉपिंग की, जो मैंने सावन की शॉपिंग करी थी उसमें मैंने ये माला वगैरह मंगवाई थी, तो ये कुछ 2-3 माला थी। और ये एक रेड कलर में, पहले जब लड्डू गोपाल जी की मतलब की एसेसरी का इतना मतलब की ज्वेलरी वगैरह का इतना नॉलेज नहीं था, तो इस तरह की जो पूरा पैकेट आता है ना जिसमें लाठी होती है, बांसुरी होती है, कंगन होते हैं, तो उस तरह की ये माला, ये बहुत पुरानी है, आई थिंक ख़राब भी हो गई है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको। और एक ये भी एक मुकुट की ही माला है। और उसके बाद ये भी एक जर्कन की है, ये भी मैंने ज़्यादा अभी तक डलवाती नहीं हूँ मैं इसको भी, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत पुरानी है, जब इतना मतलब कि एसेसरी वगैरह का इतना नॉलेज नहीं होता था उस टाइम की ही है ये भी। और ये इनकी ड्रेसेस वगैरह को टाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ मैं, और ये भी जैसे कोई खुली ड्रेस होती है उसको टाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ, इसको पाइप, मेरे को नाम भूल गया इसका, क्या बोलते हैं इसको, पाइप क्लीनर समथिंग कुछ ऐसे बोलते हैं, क्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जैसे मैं ये यूज़ करती हूँ एक माला सी है ये भी, जैसे पूरा उनको सजा के और उसके ऊपर से इनको रख देती हूँ मैं इस माला को, और ये भी एक छोटी सी माला है। और उसके बाद ये जो मैंने मुकुट दिखाया था बहुत पुराना मुकुट है, उसके साथ की है ये भी। और ये एक लटकन इनके मतलब कि ड्रेस वगैरह डाल के उसके ऊपर से मैं यूज़ करती हूँ ये, जैसे किसी ओकेज़न वगैरह पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है लड्डू गोपाल जी के कंगन, ये
ये मैंने सावन की शॉपिंग के टाइम मंगवाए थे, इस तरह के। और उसके बाद ये वाले कंगन, ये लड्डू गोपाल जी के बहुत पुराने कंगन हैं, इसके नग ऊपर से निकल गया, मैंने येलो कलर का पेंट लगाया इस पर, क्योंकि मैं डलवाती तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद ये वाले कंगन भी बहुत पुराने हैं और ये बहुत क्यूट हैं, जैसे कुछ मेरे को पसंद ना आए तो मैं कंगन में यही डलवा देती हूँ उनको। इसका भी एक नग निकल गया है तो ये मैं ठीक कर लूँगी बाद में। और उसके बाद ये कंगन भी बहुत, ये सारे जैसे जो मैंने मंगवाए थे, जैसे ड्रेसेस मंगवाई थी बहुत सारी कलरफुल, तो ये मैंने सारे कलर्स के कंगन वगैरह भी मंगवा लिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है इनका पगड़ी का, तो इसमें मैं लड्डू गोपाल जी की पगड़ियाँ रखती हूँ। तो सारे कलर्स हैं इनकी पगड़ियों के, और मुकुट तो मैंने आपको दिखाई दिए थे जरकन्स वाले। और उसके बाद ये थोड़ी बहुत, ये भी इनका पगड़ी और मुकुट वगैरह का ही है, ये मैंने इनका 15 अगस्त पे बनाया था ये मुकुट। और ये भी इनका एक ड्रेस का ही टोपी है छोटी सी, और ये भी टोपी मैंने खुद बनाई थी इनके लिए, ये विंटर्स की है, और ये भी इनका मुकुट विंटर का है ये। और उसके बाद ये पगड़ी शायद मेरे को किसी ने गिफ्ट करी थी, ये या ये वाली, इन दोनों में से कोई एक, नहीं ये वाली पगड़ी मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी होशियारपुर में। उसके बाद ये वाला एक मुकुट मेरे को बहुत पसंद है, तो इसमें सारी लड्डू गोपाल जी का मैं मुकुट पगड़ी वगैरह ही रखती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है इसमें मैं रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के माला और डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान है, ये इनका मतलब कि ना जैसे जरकन्स वगैरह हैं जो ऐसे निकल जाए तो इसमें से मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ये सब चीज़ें इनकी ड्रेसेस में या इनके किसी भी डेकोरेशन वगैरह चीज़ों में यूज़ करती हूँ। और ये एक छोटी सी गोटा रखा हुआ है मैंने, और साथ में इनके इसमें रखती हूँ मैं बाल। और इनके हैं यहाँ पे इत्र वगैरह, उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है ये आर्चीज का, इसमें आई थिंक पता नहीं कुछ गिफ्ट था इसमें आर्चीज का, तो इसमें मैंने चंदन वगैरह डाल के रखे हुए हैं, गोपी चंदन है, और साथ में ये और जो लास्ट बॉक्स है इसमें भी चॉकलेट्स थी। एक्चुअली पंकज जब बाहर से आते हैं तो चॉकलेट्स वगैरह बहुत लेके आते हैं, तो साथ में ये बड़े क्यूट क्यूट से डब्बे होते हैं चॉकलेट्स के साथ। और इसमें ये लड्डू गोपाल जी की बाउंसरी हैं, और ये साथ में इनकी ड्रेसेस को मतलब कि पिन वगैरह करने के लिए। और ये छोटा सा ये तकिया सा है इनका, और इसमें लड्डू गोपाल जी के मैं डालती हूँ इयररिंग्स। मेरे लड्डू गोपाल जी इयररिंग्स बहुत गुम करते हैं, इयररिंग्स बिंदी इनके पास नहीं होती है, मोस्टली नहीं होती है, बिंदी भी एक आधी होगी इसमें, नहीं ये है, मैं इनके लिए बिंदी इयररिंग्स बहुत खरीद चुकी हूँ, बाउंसरी वगैरह बहुत गुम होती है इनकी, होती नहीं है मतलब गुम करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत पुराने, बहुत जब इनको नए नए मैं लेके आई थी तो उस टाइम के मुकुट है, मैंने बोला जब मतलब कि इतना नॉलेज नहीं होता था इनकी एक्सेसरी वगैरह का, तो उस टाइम इस तरह के मुकुट हम लोग परचेज करते थे। तो अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे मेरे लड्डू गोपाल जी, सी ये क्या है। तो इस तरह के मुकुट उस टाइम पे परचेज करते थे हम लोग, ये कुछ भी नहीं है ऐसे, जस्ट सिंपल। और उसके बाद
ये भी एक मुकुट है, तो ये तो अभी का है मतलब। और भी यहाँ पे होंगे मुकुट इनके, ये भी जब बहुत पुराना है मुकुट, जब लड्डू गोपाल जी को लेके आए थे तब का है। ये फर्स्ट मुकुट था जो मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब कि जो सबसे कॉस्टली मुकुट था मेरा उस टाइम का। और उसके बाद ये है इनका एक, ये चीज़ ना मेरे को बहुत पसंद है, इसको कलगी बोलते हैं। जैसे कोई मुकुट वगैरह छोटा हो ना, तो उसके पीछे इस तरह से इसको लगा के वो मुकुट बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से कलगी वगैरह लगा के हम लोग अपने जो लड्डू गोपाल के मुकुट है उनको बड़ा बड़ा दिखा सकते हैं। और ये है इनका कमरबंद, जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, पहले पहले करती थी जब खरीदा था, क्योंकि मैं इनको थोड़ा ना हल्का सा ही रखती हूँ। ज़्यादा मैं ज़्यादा श्रृंगार वगैरह करके नहीं रखती हूँ सर्दियों, मतलब कि ज़्यादा श्रृंगार वगैरह करके नहीं रखती हूँ, सिर्फ विंटर्स में ही मैं ज़्यादा श्रृंगार रखती हूँ इनका करके, क्योंकि गर्मियों में ऑब्वियसली हम लोगों को खुद को गर्मी लगती है। तो मैं इनको तो कभी कभी सिर्फ पैंट या जो धोती वगैरह होती है वो डलवा के ही बिठाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी तो इनको भी तो लगती है गर्मी। और उसके बाद ये है इनका मिरर, ये बहुत पुराना, आई थिंक ये ख़राब भी हो गया, ये भी हम इनके लिए नया मिरर अभी लूँगी। तो अभी जब तक है ये चल रहा है, तो ये था मेरा लड्डू गोपाल जी का कलेक्शन। तो आपको मेरा ये कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन और बॉक्सेस कैसे लगे आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक लास्ट बॉक्स रह गया, ये कार्डबोर्ड पता नहीं किस किस चीज़ का है, इसमें आई थिंक वो था जार था एक, तो इसमें मैं लड्डू गोपाल जी के जो एनिमल्स हैं वो रखती हूँ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये छोटी सी कैटी, डॉगी, जिराफ। तो गाइज आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वीडियो कैसा लगा, लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहा ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।